गाइस मैं हूँ पीयूष और अभी भाई एक इंडियन हैचबैक के सामने खड़ा हूँ। भाई पहचानो पहले कौन सी गाड़ी है। और भाई ये इलेक्ट्रिक कार है महिंद्रा की ओर से, अब आनी बंद हो चुकी है, पर ये है भाई इंडियन की इलेक्ट्रिक कार। ये है इस तरीके की कुछ इसकी की आती है। लॉक अनलॉक और बूट स्पेस ओपनिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, ट्रक जैसा ऑप्शन मिलता है भाई, बिल्कुल ना अजीब सा है क्या ये वैसे। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के बारे में। भाई ये है P6 मॉडल 2006 या फिर मैं बोलूँगा 2001 में ये निकली थी इलेक्ट्रिक कार, और महिंद्रा E2O प्लस। भाई दो ही वेरिएंट आते हैं P4 एंड P6। ये भाई टॉप एंड एंड वेरिएंट जिसमें ग्रे कलर, वाइट कलर, रेड कलर, तीन कलर आपको मिलेंगे अभी इस गाड़ी के अंदर। भाई मिलते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टर भी मिलते हैं। अच्छा इसकी एक चीज़ ये है भाई, फोर सीटर, पाँच सीटर आपको नहीं मिलेगा, फोर सीटर इंजन है, RJ रजिस्टर्ड है, हरियाणा होने वाली है। अभी महिंद्रा ने ये निकाली थी और काफ़ी ज़्यादा अनसेल हुई थी इस गाड़ी की, ना जाने क्यों इलेक्ट्रिक कार पे, पर बजटली भी बहुत है ना। अगर आप P4 को लेते हैं वो आती है 8 लाख के समथिंग, और आप P6 पे जाते हैं तो वो आती है भाई 8,70,000 के समथिंग। तो भाई अब ये डिसकंटिन्यू कर दी महिंद्रा ने, और महिंद्रा ने एक चीज़ और करी थी, रिकॉल करा था जितनी भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स थी ना वो सारी अपनी वापस ले ली, और कस्टमर को पैसे वगैरह रिटर्न कर दिए। और पता नहीं क्यों महिंद्रा ने पूरे UK के अंदर सेल करनी इसको बंद कर दी। अभी इसके अंदर जो अलॉय व्हील्स आप देख रहे हैं ना ये मिलते नहीं हैं, ये भाई ने बाहर से लगवा रखे हैं। और इतनी तगड़ी छोटी हैचबैक है, आपको पीछे से ऐसा लगेगा कि इग्निस खड़ी है, मारुति सुजुकी नेक्सा की इग्निस खड़ी है। अभी E2O प्लस की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है, महिंद्रा का लोगो, इलेक्ट्रिक कार है जैसे कि ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगी। इसकी जो रेंज है ना, मैंने जो कस्टमर से बात करी इसकी रेंज बहुत कम है, आप निराश हो जाओगे इसकी रेंज को लेकर। 100 किलोमीटर की रेंज है, 100 किलोमीटर फुल चार्ज। अब इसकी बैटरी बढ़वा देंगे ना तो चलाओ, खूब दिक्कत नहीं है कोई भी। अभी इसके अंदर ना एक चीज़ और, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, और काफ़ी मैं बूट दिखाता हूँ इसका, एक मिनट भाई साहब। यह भाई आपको मिलती है फैब्रिक, पूरी फैब्रिक मिलती है, या पियानो ब्लैक फिनिशिंग। और नहीं अंदर भी ना बूट स्पेस और लेग रूम, फोर सीटर है, पर जब सूखे सूखे से होना तो अच्छे खासे मैं कह रहा हूँ 4 या 5 भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक कार है, पिकअप विकअप तो बहुत अमेजिंग होगा ही। और इसके बूट स्पेस की बात करूँ, बूट स्पेस भी ना इसमें 135 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है। अभी इसका बूट स्पेस ओपन करने के लिए आगे से करूँगा इसका बूट स्पेस ओपन, स्पेस आपको मिलता है देखिए। और भाई इसमें ना की में ही है, देखो ऐसे लॉक करा और यहाँ से इसको भाई अनलॉक करा ओपन, और ये देखिए 135 लीटर का बूट स्पेस मिलता है भाई महिंद्रा E2O प्लस के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, अगर आप लोकल में चाहते हैं ना इस गाड़ी को चलाना, रन करना, मैं कहूँगा कि कोई घाटा नहीं है, पुरानी ले लीजिए, खूब 3-4 लाख रुपये में टकरा जाएगी, अच्छी खासी गाड़ी है। और फोर सीटर है, आप लोकल में ऐसा नहीं है कि अच्छा महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, चार्जर प्लग मिलता है। भैया चार्ज कितनी देर में होती है, फुल 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और 100 किलोमीटर की रनिंग ये निकाल के देती है। अभी इसके अंदर ना भैया बैटरी पूरी लगवाएंगे, इसको दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज़ जो मैंने बताया था ना, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये देखिए है कुछ ज़बरदस्त चीज़। ये देखिए भाई एनालॉग क्लस्टर आपको ऐसे कुछ देखेगा, अभी ये फुल चार्ज है, 0 की रनिंग दिखती है। गियर यहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आती थी, P4 P6 दोनों ही ऑटोमेटिक। आपको आगे दो जो है डिस्क मिलेंगे, पीछे आपको भाई ड्रम मिलता है, और कोई भी इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ, एक भी एयरबैग आपको नहीं मिलने वाला इसमें मिलता है भाई। हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, और ब्रेक असिस्ट भी क्या बोलूँ मैं उसको, ECS बोल दूँ, ECS मिलता है इसके अंदर भाई। चाइल्ड लॉक सेफ्टी मिलती है दो पीछे के दो गेटों में, रियर गेटों में, और कुछ ऐसी चीज़ें। और ये है भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये देखिए कुछ ऐसे पकड़ के भाई FNBR, अभी मेरे को उसको समझ नहीं आया, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है ना पुराना टाइप से बाहर से लगवा रखा, पर काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले बहुत अच्छा है। ग्लव बॉक्स भी इसके अंदर छोटा सा दिया जाता है, कुछ ऐसी। अब इसका जो डैशबोर्ड है ना लेदर फिनिशिंग नहीं है, पर अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक कार। अभी इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में इतनी महंगी महंगी कॉस्टली कार्स आती हैं, कोई भी मैं कहूँ ना, अगर आप महिंद्रा पे जाएं या फिर टाटा मोटर्स पे जाएं, 15-16 लाख से नीचे कोई भी इलेक्ट्रिक कार निकलती नहीं है। इसके इतने ना प्यारे भी अलॉय व्हील्स देखिए कितने प्यारे हैं भाई। अच्छा 40 इंच के आपको भाई
40 इंच का अलॉय वो मिलता है, ड्रम मिलता है आपको जो कंपनी की तरफ से मिलता है। ये अलॉय है तो 1 इंच बढ़ा लीजिए, 15 करवा लीजिए और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस। इसके अंदर भाई 11 किलोवाट की आपको बैटरी मिलती है 85 kg की, जो कि भाई आपकी निकालती है 100 किलोमीटर की रनिंग और 4.5 घंटे के लगभग ये चार्ज होने वाली है। और कुछ ऐसी चीज़ें इसकी एक चीज़ बताता हूँ, ये लिथियम बैटरी के साथ है, लिथियम बैटरी के साथ है। फ़ायदा क्या होता है लिथियम बैटरी का, वो थोड़ी ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा होता है। जैसे इसमें अभी 75 Nm का इसके अंदर टॉर्क है और अच्छा खासा इसमें अंदर पिकअप मिलने वाला है। तो ये है भाई आपकी महिंद्रा E2O प्लस, कुछ ऐसी दिखती है, पूरी नज़र मान लीजिए। अभी मेरे को तो बहुत पसंद आई, छोटी गाड़ी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक कार है भाई, मिलता ही क्या है डीजल वीजल में ना, इतना कॉस्टली हो जाता है। तो भाई ये थी आपकी महिंद्रा E2O प्लस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।